गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ. बच्चों आज हम लेसन सिक्स पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में, जो कि है सर्वनाम, जिसमें हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे. तो सर्वनाम आप जानते होंगे क्या होते हैं. जो शब्द सबके नामों के बदले बोले जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर हम यूज़ करते हैं या बोले जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, मेरा, हमारा, इसका, मुझे. तो यहाँ किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ संज्ञा हमें नहीं दी हुई है. संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम शब्दों का उपयोग किया है. तो ये होते हैं सर्वनाम, यानी सबका नाम. सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक. तो चलिए अभी हम इन सभी भेदों के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन. जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, कहने वाले या सुनने वाले के विषय में बातचीत की जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे मेरा बस्ता मुझे दे दो, तुम्हारी परीक्षा कल से होगी. तो यहाँ बोलने वाले, कहने वाले या सुनने वाले के विषय में बातचीत की जाए वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. तो सेम उसी तरीके से मेरा बस्ता मुझे दे दो, यहाँ मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम है. सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम. निश्चयवाचक होता है जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर, चाहे वह पास हो या दूर, संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे यह तुम्हारा घर है, ये आपके मित्र हैं, वह तस्वीर मेरे दादाजी की है. तो यहाँ एक संकेत किया जा रहा है एक निश्चित वस्तु की तरफ. थर्ड है अनिश्चयवाचक. अनिश्चयवाचक होते हैं जिसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है. जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दूध में कुछ पड़ा है, तो यहाँ कुछ क्या हुआ, अनिश्चयवाचक. कई छात्रों ने पाठ को तैयार नहीं किया है, ये कोट किसी को धुलने के लिए दे दो. तो ये है अनिश्चयवाचक. फोर्थ है प्रश्नवाचक. जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपका क्या नाम है, तो ये आते हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में. फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम. जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे फर्स्ट देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो यहाँ दोनों के बीच में संबंध बताया गया है. यदि मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी. यदि मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी. तो यहाँ इन दोनों के बीच में संबंध बताया है. और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम शब्द कार्य करने वाले के साथ अपनापन होने का आभास कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैंने स्वयं यह चित्र बनाया है, तो ये हुआ निजवाचक सर्वनाम. सबको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है. तो यहाँ अपनापन होने का आभास होता है, तो ये है निजवाचक सर्वनाम.